राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा विभिन्न भावों में बैठकर कैसा फल देता है। वृश्चिक लग्न जब फर्स्ट भाव में आपकी लग्न कुंडली D1 में 8 नंबर लिखा होता है यहाँ पर, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है जिसमें मंगल स्वामी बनते हैं जो कि छठे घर के मालिक भी हैं। वृश्चिक लग्न वाले सतर्क रहते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के, रिवेंजफुल एक्टिविटी यानी कि बदला लेने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है, मेहनती जुझारू, बचपन में बहुत चंचल होते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, थोड़े वहमी और मूडी भी रहते हैं। चंद्रमा दोस्तों आपके मन और मस्तिष्क का स्वामी है, आपके मन का झुकाव तय करता है कि मन का झुकाव किधर रहने वाला है और कितनी गहराई से रहने वाला है। कुंडली के फोर्थ हाउस का कारक रहता है माता का स्वास्थ्य यानी कि माता के साथ आपके संबंध, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, फोर्थ हाउस ओवरऑल सुख का रहता है उसको चंद्रमा उसका कारक है, तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। जल तत्व का कारक है, प्रभाव बड़ा व्यापक रहता है चंद्रमा का। नाइन्थ हाउस का मालिक है जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, नौवां घर, भाग्य का घर, भाग्येश है चंद्रमा आपके लिए, लक, डेस्टिनी, किस्मत। टेंथ हाउस 10वां घर आपके एफर्ट्स का रहता है, मेहनत का। 11वां घर उसके फल का, इनके बीच की कड़ी है 9वां घर यानी कि भाग्य। तो चंद्रमा दोस्तों ये आपका भाग्येश होकर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहता है वृश्चिक लग्न में, और वृश्चिक राशि में ही ये नीच का फल भी देता है। विडंबना है, चंद्रमा दोस्तों जब फर्स्ट भाव में बैठेगा यहाँ पर लगन में तो भाग्येश का लगन में जाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नीच का हो जाएगा। पक्ष बल यहाँ पर बहुत महत्व रखता है, आपके मानसिक तनाव ये देगा और चिड़चिड़ापन भी देगा। सातवीं उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी वैवाहिक जीवन के घर पर, तो उसके लिए ये बहुत शुभ है। आप अगर जीवन साथी की बात मानकर चलेंगे अपने स्पोज की तो आपको बहुत फायदा रहेगा। सेकंड भाव में दोस्तों बहुत अच्छा पारिवारिक सुख आपको देगा, धन की वृद्धि होती है, भाग्येश का धन स्थान में जाना बहुत शुभ रहता है, वाणी आपकी मीठी होती है। अष्टम भाव पर ये दृष्टि डालेगा तो जो गुप्त चीज़ें हैं उनसे भी आपको फ़ायदा दिलवाएगा, गुप्त धन, गुप्त विद्या, वसीयत वगैरह में, साथ में गुप्त चिंता भी देगा, अननोन फियर अगर चंद्रमा अष्टम भाव पर देखता है तो ये भी आपको देगा। तीसरे घर में जब चंद्रमा बैठेगा तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्वग्रही दृष्टि अपने ही कर्क राशि पर आएगी, नाइन्थ हाउस पर, नौवें घर पर, तो भाग्य में वृद्धि होती है, धार्मिक यात्रा भी ये करवाएगा। चौथे घर का चंद्रमा व्यावसायिक लाभ देगा, माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद दे सकता है, शनि की स्थिति पर, एक्चुअली शनि आपके चतुर्थेश हैं, चौथे घर के मालिक हैं, तो शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि माता से संबंध, वाहन का सुख और जमीन जायदाद का कैसा सुख रहने वाला है, शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। यहाँ पर चंद्रमा शत्रु के घर में रहता है। पंचम भाव का चंद्रमा भाग्य को बहुत मजबूती देगा, कंसल्टेशन, सलाह देने वाले कार्यों से आपको लाभ रहेगा, लाभ आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से भी ये संबंध अच्छे रखता है उनसे भी आपको लाभ होगा। छठे घर का चंद्रमा दोस्तों स्वास्थ्य की परेशानी देकर चलता है, रोगी मतलब कि फिजूल खर्ची भी आपकी ये बढ़ा सकता है, रोगों पर खर्चा भी बढ़ा सकता है, विदेश से लाभ जरूर होगा, गुप्त शत्रु बहुत पनपेंगे। सातवें घर का चंद्रमा दोस्तों भाग्येश होकर उच्च का चंद्रमा शादी के घर में, तो शादी के बाद तरक्की होगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, अपनी सातवीं दृष्टि से नीच दृष्टि से लगन को देखेगा यहाँ से बैठकर, स्वभाव में यह आपको चिड़चिड़ापन देगा, थोड़ा सा स्वभाव में ये गड़बड़ करेगा यहाँ पर बैठकर, वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा बहुत शुभ है। अष्टम हाउस का चंद्रमा दोस्तों मानसिक चिंता आपको देकर चलेगा, भाग्येश का अष्टम भाव में जाना स्ट्रगल जो है ज़िंदगी के संघर्ष उनको ये ज़रूर बढ़ाएगा, रुकावटें आपकी बढ़ेंगी। यहाँ पर दृष्टि डालेगा सातवीं सेकंड हाउस पर, धन भाव पर, तो धन लाभ आपका ज़रूर बढ़ेगा लेकिन उस धन के साथ भी मानसिक चिंताएँ आपको बनी रहेंगी। अष्टम भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य पर भी खर्च करवा सकता है। नौवें घर का चंद्रमा स्वग्रही चंद्रमा भाग्य को मजबूती देगा, भाग्य वृद्धि होगी, माता का खूब साथ रहेगा, धार्मिकता दानशीलता भी आपके अंदर बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा। दसवें घर का चंद्रमा अपनी महादशा में आपको तरक्की जरूर देगा, व्यावसायिक लाभ देगा, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देगा, चंद्रमा जैसे घटता है बढ़ता है तो मन आपका एक ही व्यवसाय में नहीं लगेगा, अनस्टेबिलिटी थोड़ा सा मानसिक रूप से अनस्टेबल देगा, अदरवाइज व्यवसायिक तरक्की आपकी होगी चंद्रमा की महादशा में, लाभ आपका बढ़ता रहेगा, मन भी ये प्रसन्न रखेगा। ग्यारहवें घर का चंद्रमा भाग्येश का लाभ भाव में जाना आपको लाभ आपका बढ़ाएगा, संतान पक्ष के लिए भी ये शुभ रहता है, सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा,
सलाह देने वाले कार्यों से आपको लाभ रहेगा, बड़े भाई बहनों से भी ये लाभ देगा। 12वें घर का चंद्रमा भाग्य को रुकावटें आएंगी, भाग्य को ये कमजोर करेगा, दुर्घटना का भय बना रहेगा, स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि से मेष राशि को देखेगा, 6ठे घर को गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे और उन शत्रुओं का आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके आसपास जरूर रहेंगे। ये जो चंद्रमा के फल हैं दोस्तों, ये चंद्रमा की स्थिति यानी कि उसके पक्ष बल और चंद्रमा पर अन्य ग्रहों के प्रभाव और संबंधित भावों के जो संबंधित भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव हैं, उन सब से ये फल कम या ज़्यादा हो सकते हैं। 10 साल की चंद्रमा की महादशा रहती है, इस महादशाओं में और अंतरदशाओं में ही ग्रह अपना फल देते हैं। तो चंद्रमा के लिए दोस्तों वृश्चिक लग्न में आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। नियमित दोस्तों आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पण कीजिए, कपूर जलाइए और 5 मिनट नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए और फिर 5-10 मिनट ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र इसका जप कीजिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। हर रोज़ आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच, थोड़े से सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का पाउडर और चावल और गंगा जल, ये अगर मिलाकर आप स्नान करते हैं तो चंद्रमा आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। हर सोमवार को धार्मिक स्थल पर सफ़ेद मिठाई या धागे वाली मिश्री बांटना भी चंद्रमा को मजबूत करता है। पूर्णिमा का व्रत आप रख सकते हैं, उस दिन शिव उपासना कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। वृश्चिक लग्न में चांदी आप जरूर धारण कीजिए, चाहे चंद्रमा कहीं पर भी है, कितना भी पीड़ित है, कैसा भी है, चांदी आप जरूर धारण कीजिए, चाहे रिंग फिंगर में छल्ला धारण कीजिए, राइट हैंड में वर्किंग हैंड में कड़ा धारण कीजिए, चाहे चांदी की चैन पहनिए, चांदी आपको मजबूती देगी। चांदी के गिलास में पानी पीने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये उपाय दोस्तों वृश्चिक लग्न में चंद्रमा के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना ज्योतिषीय परामर्श के, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।